हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स रिएक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। ये टॉपिक हमारे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है उसी का एक टॉपिक है। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको नर्वस सिस्टम के अंतर्गत न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बता चुका हूँ, और आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स रिएक्शन के बारे में, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात यह आती है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के फलस्वरूप स्वतः होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। कि यदि कोई स्टिमुलस होता है, उद्दीपन मतलब स्टिमुलस कोई होता है, तो उस उद्दीपन के द्वारा शरीर में स्वतः ही अनुक्रिया होने लग जाती है, जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले एक एग्जाम्पल को, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, ठीक है, सपोज करते हैं मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर कोई जलती हुई कोई अगरबत्ती या कोई तीली रखी हुई है, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरा जो हाथ है, पढ़ाते पढ़ाते मेरा ये हाथ अचानक से इस जलती हुई तीली को या मोमबत्ती को छू लेता है। तो जैसे मेरा हाथ इस जलती हुई मोमबत्ती को छुएगा तो अचानक से मेरा हाथ दूर हट जाएगा। मेरा जो माइंड है, ब्रेन जो है, वो आपको पढ़ाने भी व्यस्त है, आपको समझाने भी व्यस्त है मेरा ब्रेन तो, लेकिन हुआ क्या है कि मेरा हाथ गया और जैसे जैसे सरकता हुआ वो जैसे ही उसने गर्म लोग को छुआ और वो तुरंत हट गया। तो यहाँ पर ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई, रिफ्लेक्स रिएक्शन क्या हुआ यहाँ पर कि मेरा जो यहाँ पर स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस वो आपकी लॉ है, ठीक है, वो स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस के कारण मतलब उस लॉ ने को तो मेरी फिंगर ने छुआ है तो मुझे स्टिमुलस मिल गया, उद्दीपन मिल गया, और उस उद्दीपन के फलस्वरूप मेरा हाथ जो दूर हट गया, एक प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, रिफ्लेक्स रिएक्शन होगी। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं ये भिन्न भिन्न तरीके की होती है। ये जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करें, जैसे पक्षी हैं, पक्षियों में सुरीली आवाज में गाना एक प्रतिवर्ती क्रिया ही होती है, या पक्षियों का उड़ना। शुरू में तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, उनको उनके लिए प्रैक्टिस करानी होती है, प्रैक्टिस कराने के बाद ये क्रियाएं आदत बन जाती हैं, एक डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाती है। तो इसी तरीके की प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में इयान पावलोव नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया था। आपने पहले सुना भी होगा कि उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रयोग किया था, और उन्होंने इस कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रयोग जो है कुत्ते के ऊपर करने के लिए। वहाँ पर वो क्या किया करते थे, एक कुत्ता था उन्होंने पाला हुआ था, उस कुत्ते को वो घंटी बजाकर खाना दिया करते थे, तो घंटी की जो आवाज़ थी वो एक उद्दीपन था, स्टिमुलस था, उस स्टिमुलस से कुत्ता जो है उसको पता चल जाता था कि खाना आने वाला है। तो वो क्या करता था, जैसे घंटी बजी उसके सामने खाना रख देते थे तो उसके मुंह से लार आने लग जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुल मिलाकर वो घंटी की आवाज़ के प्रति अभ्यस्त हो गया। एक दिन यान पावलोव ने क्या किया, घंटी तो बजाई लेकिन उसको खाना नहीं दिया, घंटी बजाने पर जब उसको खाना नहीं दिया तो उसके मुंह से अपने आप लार टपकने लग गई। तो ये इससे सिद्ध हुआ कि उन्होंने जो है उसको एक तरीके से अनुकूलित कर लिया था उस चीज़ के लिए, उस प्रतिवर्ती क्रिया के। तो ये प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं वो किस तरीके से संपन्न होती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो हमारे बॉडी में मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। किस तरीके से मेरुरज्जु किसी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करती है, ये प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि में हम इसको ब्लैक बोर्ड में समझते हैं, बोर्ड के ऊपर कि कैसे ये क्रियाएँ संपन्न होती हैं। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया को देखने के लिए हमें क्या है कि जो हमारी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, उस स्पाइनल कॉर्ड की एक सेक्शन देखना होता है कटा हुआ टुकड़ा। स्पाइनल कॉर्ड वैसे तो क्या है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टीब्रल कॉलम है, उसके अंदर पाई जाने वाली खोपड़ी नलिका होती है। तो ये कार में इस तरीके से दिखाई देती है, हम देख रहे हैं, लेट्स सी, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड जब काट काटी जाती है, तितली के पंखों के, तितली के समान दिखाई देती है, जिस तितली के पंख होते हैं उसके एक सूत्र है,
ये स्पाइनल कॉलम है, ठीक है। यहां पर मैं बना दे रहा हूं ऑर्गन, जिस ऑर्गन में आप प्रतिवर्ती क्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, ये ऑर्गन। देखिए क्या होता है कि मान लो हमारे किसी भी अंग में उद्दीपन मिलता है, हम कुछ और एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं इसके, कि प्रतिवर्ती क्रिया के इससे हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे मिठाई देखिए, पकवान देखकर मुंह में पानी, हम मानते हैं कि जैसे मान लो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, तो क्लास का कोई स्टूडेंट है वो जो है क्लास में मिठाई लेके आता है, मान लो बर्फी लेके आता है, चॉकलेट लेके आता है, जो कुछ भी है वो चॉकलेट लेके आया स्टूडेंट, उस स्टूडेंट ने मुझे चॉकलेट दी, मैंने एक चॉकलेट ले ली, अब मैं उस चॉकलेट को खा रहा हूँ आपके साथ, तो अब क्या है कि मैं उस चॉकलेट को खा रहा हूँ, चॉकलेट एक स्टिमुलस है, एक उद्दीपन है, आपको पता है हालांकि कि ये चॉकलेट आपको मिलने वाली नहीं है, लेकिन क्या है कि चॉकलेट को देखकर आपके मुंह में पानी आने लग जाए, तो मुंह में पानी आना भी एक प्रतिवर्ती क्रिया ही है, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि हमारा जो कोई भी अंग है उसे उद्दीपन मिला, यहाँ पर हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं उस जल्दी लॉ को छूने वाली मान, जैसे कि मानते हैं कि हमारा कोई अंग है और उसने अचानक से किसी जल्दी वस्तु को छू लिया है, तो जैसे ही किसी जल्दी वस्तु को छुएगा वहां से उद्दीपन चलेगा और इस उद्दीपन को लेकर आने का काम करके एक तंत्रिका जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी यानी संवेदी न्यूरॉन होती है जो इस अंग से इस ऑर्गन से उद्दीपन को लेकर काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में उद्दीपन आता है और इसका विश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, एक और न्यूरॉन को भेजते हैं, उसका नाम होता है मोटर न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करती है, ये जो संदेश प्राप्त होता है, ठीक है, जो भी संदेश यहां से प्राप्त होता है उस संदेश को मोटर न्यूरॉन संबंधित ऑर्गन तक ले जाती है और उस ऑर्गन को पता चल जाता है कि हमारा जो हाथ है ये हाथ किसी तरह वस्तु को छू रहा है और हमारा हाथ पर वहां से क्या कर जाता है, घट जाता है। तो ये हुआ किसी उद्दीपन के फलस्वरूप सतह होने वाली अनुक्रिया जो हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा संपन्न होती है और मेरे दर्जे की स्पाइनल कॉर्ड इसमें प्रबल भूमिका होती है। यही से हमको न्यूरॉन्स जो है इनके कार्यों के बारे में पता चल जाता है। इस मेन जो है न्यूरॉन थ्री टाइप्स की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को क्या करती है, जो किसी उद्दीपन को स्टिमुलस को ऑर्गन से नर्वस सिस्टम तक ले जाती है, वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, जो ऑर्गन को नर्वस सिस्टम जाती है संदेश को स्टिमुलस को ले जाती है वो तो होती है सेंसरी न्यूरॉन, और जो नर्वस सिस्टम की संदेश को ऑर्गन तक लेकर जाती है वो होती है मोटर न्यूरॉन, और कुछ न्यूरॉन ऐसी होती हैं जो दोनों तरीके के कार्य करती हैं, ठीक है, ऑर्गन टू नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन, दोनों तरीके के कार्य करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्स न्यूरॉन। इस तरीके से तीन तरीके की न्यूरॉन होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है उसके कार्य को कंप्लीट करती है। तो ये आज हमारी बात हुई प्रतिवर्ती क्रिया, उसके एग्जाम्पल्स एंड उसकी क्रियाविधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।